अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी अभी फरीद शेख कर कहने पर मैं, मौलाना कश्मीरी साहब, अबू हाशिम आजमी साहब और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हम लोग गए थे नारेवाड़ी कब्रिस्तान। वहाँ के ट्रस्टियों ने बॉडी को दफनाने से मना कर दिया है, कोरोना वायरस की बॉडी को। हमने जाके उनसे बात की है, उनको ये भी कहा है कि आपको जो भी किट चाहिए, हमारे जो गोरखोद हुए उनको किट चाहिए, किट हम प्रोवाइड करेंगे, हर तरह की सहूलत आपको देंगे। वो तमाम लोग राज़ी हो गए, लेकिन ट्रस्टियों ने अभी तक परमिशन नहीं दी, जबकि गवर्नमेंट का वक्फ बोर्ड का ऑर्डर भी आ चुका है उनके पास, और WHO का ऑर्डर भी है कि दफनाने से जरासीम नहीं फैलते, दफनाने से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचती, और ये बिल्कुल सेफ़ मोड है बॉडी को डिस्पोज करने का। ये मुसलमान ट्रस्टियों को समझना चाहिए कि इतना जब माहौल ख़राब हो रहा है, और ऐसे में आपका ये कंडक्ट, आपका बिहेवियर बहुत ही गलत है। इससे पहले कि लोग नाराज़ होकर रास्ते पर आए या और कोई बात करें, हमने उनसे कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप परमिशन दो। इंशाल्लाह आज शाम तक उनसे परमिशन मिल जाएगी, ऐसा हमें उम्मीद है। लेकिन आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप इतना वायरल करो इस वीडियो को, ताकि ये माहौल, ये बात सब जगह पहुँच जाए, और अल्लाह इनको तौफीक दे समझने की कि एक दिन सबको मरना है, और मरने के बाद मुसलमान का हक बनता है कि उसको कब्र मिले। ये इनको हक नहीं पहुंचता कि जगह BMC की, गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी है। हाँ, जो भी प्रिकॉशन लेना है उसके लिए हम हर तरह से इनको हेल्प करने को तैयार हैं, हमने वादा भी किया उनसे। तो हमने कहा है कि आपको जो किट्स चाहिए वो किट्स हम भेज देंगे, लेकिन आप बॉडी को रिफ्यूज़ मत करो। देखिए, इंशाल्लाह हमारी बात तो उन तक पहुँच गई है, अभी शाम तक आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने